How's it going, people? I'm your host Rudy, and today is Mother's Day. और Mother's Day के दिन हमें याद आती है मम्मी की डांट. So let's find out how moms have been scolding all of us from the sons and daughters themselves. Let's go. So can you imitate your mom and as to what she says, some phrases she says, the way she says it? अरे ये बड़ा क्यों नहीं तुमने? तुम फेल क्यों हो गए आज? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? ये बहुत गलत है. तुम अच्छी बेटी नहीं हो. तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. Her accent is very cute, so I can't behave like her. पढ़ाई करो, ये पोकेमॉन मत देखो. अगर मैं कोई उनकी मर्जी का काम नहीं करता हूँ, अगर कुछ गलत करता हूँ तो वो बहुत चिढ़ जाती. तो चिढ़ती है तो क्या बोलती? वो चिढ़ती है तो बोलती, बात ही नहीं करती फिर वो मुझसे. क्या बात कर रहे हो? Whenever I go out, she is like, call me when you reach. सारा दिन सोंदी रहती है, कुछ कम नहीं है. Call me when you leave. Call me every hour in the party. भणतो तो कहीं छे नहीं, फक्त बेड पर पड़े रह से पूरा दिवस. जा कहीं भण भण, कहीं तो कर, घर में काम कर कहीं तो. बेटा छोड़ दे ये सब कुछ, बेटा घर आ जा, हम यहीं पढ़ाई करेंगे. पढ़ाई करना ऐसा. See, I have a पंजाबी मॉम, I am a पंजाबी. So ओ पंजाबी मॉम तो मतलब डांट के बिना कैसे रह पाएंगे. Exactly. तुला काय अक्कलच नाही म्हणे. तुला पिक्चरच पडलेलं आहे पहिले बाहुबली, इकडे दुसरा बाहुबली घरी येतोय. खाता पिता कर, क्यों नहीं खांदी है तू? कमजोर होती जाती है कुड़ी साड़ी. Tell me about your relationship with your mother. As my father is not here, so my bond between me and mom is very much close. बेटा तुहानू जो भी चाहिए ना मैनू दसो. दुनिया ना उंगली नहीं करनी चाहिए तुहाडे उते. तारे जे करू हो तू ईच कर, तारो दिल जे के ईच कर, अने तू जीवन में बहुत खुश रहे. टाटो भी बना, बर्थडे लिखा है मॉम का, रोमन नंबर्स में, 22nd August 1977. जब मैं मम्मा के साथ था तो ऐसा लगता था कि मम्मा क्यों डांटती हैं, क्यों डांट रही हैं. लेकिन जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ उसके बाद में समझ आया कि हाँ, माँ जो डांटती थी वो सही डांटती थी. इट इज माई मॉम हू पुश मी कि पढ़ ले, कुछ तरक्की कर ले जिंदगी में. सो दैट्स व्हेन आई डिड माय एमबीए. And here I am today. What message do you have for mothers who scold all their sons and daughters in general? So if this would be something going out to all mothers, what I'd like to say is, even though you all scold us, even though you all shout at us and stop us from doing a lot of things, we still love you from the bottom of the heart. Well, after hearing those beautiful anecdotes and seeing people imitate their mothers, all I have to say to all the mothers who scold us is that we really, really love you. And here's wishing all of you a happy Mother's Day.